ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। बाराबंकी आवास विकास कॉलोनी में एक ही परिवार के चार लोगों की आत्महत्या मामले से मचा हड़कंप। बाराबंकी कोतवाली नगर क्षेत्र में स्थित आवास विकास कॉलोनी में चार लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से इलाके में दहशत छा गई है। मरने वालों में पति पत्नी और उनके दो छोटे बच्चे शामिल है। आत्महत्या की वजह अभी साफ पता नहीं चल पाया है। पुलिस की जांच में अभी तक ये मालूम चला है कि मृतक व्यक्ति का अपने भाई के साथ प्रॉपर्टी का विवाद था। घर में मिली एक स्लिप पर इस बात का जिक्र किया गया है। मरने वालों में पति ललित कुमार गौड़, पत्नी प्रीति गौड़ व उनके दो बच्चे शामिल है। प्राइम न्यूज 24 के लिए बाराबंकी से रविंद्र कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। ये आवास विकास कॉलोनी कोतवाली बाराबंकी है। यहाँ पर एक किराए के मकान पर रहने वाले ललित किशोर गौड़ है, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष। इनके डॉक्यूमेंट के हिसाब से इनकी पत्नी यहाँ रहती हैं, दो बच्चे रहते हैं क्रमशः 12 और 8 वर्ष के। आज सवेरे दूध वाले ने जब घंटी बजाई और दरवाज़ा नहीं खुला तो किराएदार और स्थानीय लोगों की मदद से दरवाज़ा खोला गया तो सामने के कमरे में ललित किशोर गौड़ की बॉडी पंखे से लटकी हुई मिली। बाद में पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर पूरे घर की तलाशी लेने पर चारों परिवार के सदस्यों की बॉडी फंदे से लटकी हुई मिली है। इनके संबंध में प्रारंभिक जानकारी जो डॉक्यूमेंट्स घर पर अवेलेबल थे उसके हिसाब से जानकारी हुई कि ये दिल्ली में किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। वहाँ से लखनऊ ट्रांसफ़र पर आए। लखनऊ में कुछ दिन काम करने के बाद दिसंबर 2019 में इन्होंने एक पार्टनर के साथ बल्ब बनाने की फैक्ट्री या कोई यूनिट लगाई है, ऐसी प्रारंभिक जानकारी है, जिसका ऑफिस चिन्हट में है। लेकिन उसमें किसी प्रकार के विवाद, घाटे आदि का कोई उल्लेख इनकी डायरी या किसी चीज़ में नहीं मिला है। इन्होंने सुसाइड नोट की तरह एक स्लिप लगा रखी है जिसमें इन्होंने अपने पारिवारिक विवाद का उल्लेख किया है और एक डॉक्यूमेंट भी इन्होंने उपलब्ध कराया है पुलिस के अवलोकन के लिए। उसमें स्पष्ट तौर पर ये इंगित हो रहा है कि इनका विवाद अपने छोटे भाई के साथ प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर था। ये मऊ घोसी थाने के रहने वाले हैं। स्थानीय पुलिस के माध्यम से इनके घर पर सूचना कर दी गई है, जिससे परिवार वाले यहाँ आ जाएं और अग्रिम कार्रवाई की जाए।